क्या हुआ अला, कुछ पता चला? क्या पता करना है बाबा, हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। किसने किया, मतलब कौन है इसके पीछे? वही नैना गोयल और उसके साथ उसकी मदद करने वाला युवराज गोयल। नहीं भैया, राज ऐसा नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ नैना गोयल का हाथ है। अज्जू, तू नहीं जानती है ना मेरे को, वो लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा, अस्तीन का सांप निकला वो युवराज, जिसके साथ हम हंसते खेलते थे, वही इंसान हमें बर्बाद करने की सोच। अरे आला, आप मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमारे घर की नीलामी कैसे कर सकते हैं? अरे पेपर्स तो हमारे पास है, ये लोग कोर्ट में कैसे जा सकते हैं फिर? अरे बरसों से कानून ने घर हमारा है। ये घर हमारा है नहीं बाबा, हमारा था। आप ये तो क्या कह रहे हैं? हमारे घर के पेपर्स कोर्ट में है। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है बाबा, और इतना ही नहीं, इस घर की नीलामी हो जाए, इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर आपके सिग्नेचर। ये तो कैसी बात कर रहा है, मैंने इस तरह के किसी भी पेपर पर साइन नहीं किए हैं। अरे पेपर्स मेरे पास है, लॉकर में महफूज है। तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा, चलिए अभी मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। आई लाइए हमारी चाबी, लाइए। मैं अभी आप सबको बताता हूँ कि ये पेपर्स मैंने कितने महफूज रखे हैं। कोई सामान ही नहीं है, वहां भी नहीं है, पता नहीं कहां चले गए वो दोनों। लगता है उन्होंने जाने से पहले ही सारी पैकिंग कर ली। यानी कि ये सारा किया धरा उन्हीं लोगों का है। भगवान, से कितनी बड़ी गलती होगी। बाबा तो उन्हें घर में घुसने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन मेरी जबरदस्ती की वजह से उन्होंने इस घर में आने दिया और उन्होंने फिर से हमें धोखा दे दिया। आखिर सुंदरी थी, अपने ही घर वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? चलो चलते यहां से। भगवान, उन लोगों ने फिर से हमें धोखा दे दिया। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि अपना ही खून हमसे इतना बड़ा धोखा कर गया?
तो सुंदरी की खुशियों के लिए इस घर में पना दे देना उसे। उसने तो हमसे हमारा घर ही छीन लिया। संभाल के बाबा। अरे कैसे संभालूं अज्जू, जब अपने पीठ पर खंजर भोंक के चले गए। कैसे संभालूं अपने आप को। वो नीलामी वाले तो आते ही होंगे, कैसे रोकेंगे उन्हें, कैसे रोकेंगे उन्हें। सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो तुम लोग। सब मेरी गलती है, मैं ही गुनाहगार हूँ तुम सबका। आला आला बेटा 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 कैसे रोकेंगे उन्हें। अरे अरे हमारी इज्जत चली जाएगी बेटा, अरे बनारस में हमारी आबरू चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मुझे माफ कर दो तुम लोग। मुझे माफ कर दो, संभाली अपने आप को। नीलामी शुरू हो रही है। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर में नीलामी शुरू होने वाली है, बैठिए प्लीज। गर्मी है ना यहाँ पे। वैसे हमें आप लोगों से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अब तो आप लोगों को गर्मी में ही रहना है, तो अच्छा है कि जितनी जल्दी आदत लग जाए, isn't it? क्योंकि आधे घंटे के अंदर आप लोगों के सर से ये छत छिन जाने वाली है। वैसे ये मुसीबत आप लोगों ने अपने सर खुद मोल ली है। इसी गली में मारा था ना आप सबने हमारे भाई को मिलकर, हाँ? अब इसी गली से धक्के मार मार के निकाले जाएंगे आप लोग सब। हाँ, मालूम है इस शुभ काम में किसने हमारी मदद की? आप ही के घर के दामाद और बेटी ने।
आप सुंदरी, कहते हैं ना सांप के दांत तोड़ देने से उसका जहर कम नहीं होता, वैसे ही सांप था आपका वो दामाद जिसे आप लोगों ने अपने आस्तीन में पाला। और देखिए ना, सबको ले डूबा उसका ये जहर। वेल, और हो भी क्यों ना, आप लोगों को उसे सहारा देके महान जो बनना था, अब कमान वही महानता दिखाई और निकलते चलो सबके साथ। आउट आउट। पहले धोखे से हमारी फैक्ट्री, फिर जमीन, और आज ये घर। ये झूठ की जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी नैना गोयल, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। हाँ, वही का वही उपदेश दिए जा रहे हैं मुझे। But in a way it's a good thing. प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। After all, गंगा किनारे बैठ के ही अनाप शनाप बात करेंगे, तभी तो घर का गुजारा होगा। क्या कह रही हैं आप? Quiet. फिर अब जरा नीलामी देख लीजिए। वैसे आप लोग चलिए ना हमारे साथ, जरा आप लोग भी तो देखिए आपके सपनों की दुनिया की कीमत क्या लगाते हैं ये दुनिया वाले। Come, let's go. भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब यहाँ पर तीन दोस्तों वाली गली के तीनों ही मकानों की नीलामी के लिए हाजिर हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग बढ़ चढ़कर बोली लगाएं। और हाँ, पहली बोली की कीमत होनी चाहिए मिनिमम 70 लाख रुपए। 75 लाख। नीलामी में लोग बोली लगाने आते हैं दी, मैं भी वही करने आया हूँ। पर हम तो हैं ना, पर जो कीमत हमने लगाई, जो कीमत आपने लगाई, अगर उससे दुगनी भी कोई इस घर के लिए दे, तब भी मैं इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगा आपके हाथों। 10 करोड़। 11 करोड़। 15 करोड़। 16 करोड़। करोड़। 15 करोड़। अगर इस घर को बचाने के लिए मुझे अपने आप को ही बर्बाद करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा दी। बस इनफ, बंद कीजिए बेवजह की दुश्मनी। पागल है
तुम्हारी बहन है। नहीं थी, आप बोल रही हैं कि मैं आपका भाई हूँ। मैं नहीं, आप बोल रही हैं कि मैं आपका भाई हूँ। 25 करोड़ 3 और इसी के साथ ये प्रॉपर्टी मिस्टर युवराज गोयल के नाम हुई। आज से ये इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दूसरों के लिए खड्डा खोदते खोदते एक दिन खुद उसमें गिर जाओ।